डिडक्शन से ही एक और प्रॉब्लम, मिस्टर अनिरुद्ध एज एन ऑडिटर इन एजी ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंप्यूट हिज टोटल इनकम, हिज इनकम पर्टिकुलर फॉर द प्रीवियस ईयर 2017-18 आर एज अंडर, बेसिक पे 40,000 पर मंथ, सैलरी का डिटेल दिया, यानी कि सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा, डीए 10,000 पर मंथ, रिटायरमेंट बेनिफिट बोल तो पार्ट ऑफ सैलरी बन जाता अभी है, बोनस 40,000 पर मंथ पर एनम, ही कंट्रीब्यूटेड 12% सैलरी टू न्यू पेंशन स्कीम एंड इक्वली कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर, मिस्टर अनिरुद्ध कंट्रीब्यूशन इन एडिशन टू न्यू पेंशन स्कीम 55,000, ये 50,000 तक का लिमिट है, ये देना पड़ता अपने को, ये एटीसीसी डी है ये, और ही कंट्रीब्यूशंस आर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये क्वालिफाइड सेविंग है 40,000, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 50,000, डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि योजना 20,000 एंड पेड प्रोफेशनल टैक्स ये सैलरी से लेस करते 2,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है 1,70,000। तो ये किस्म का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम देखो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले देखो इसमें बेसिक पे का अमाउंट जो प्रॉब्लम में मेंशन करा वो है 40,000 इंटू 12 कितना आएगा 4,80,000। इसके बाद में डीए डेयरनेस अलाउंस यह है 40,000, नहीं सॉरी 10,000 इंटू 12 करने पर आएगा 1,20,000। इसके बाद में बोनस का अमाउंट तो वो खुद कैलकुलेट करके दे दिया है 40,000। फिर है कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ये 12% से ज़्यादा नहीं लेते, वैसे प्रॉब्लम में 12% ही मेंशन करा, सैलरी पे निकालते, सैलरी मतलब 6,00,000 पे, एक्चुअली बेसिक पे ही निकाला जाता, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट होने के नाते डीए सैलरी का हिस्सा बन जाता, तो 6,00,000 हो गया ये दोनों मिलकर, 6,00,000 का 12% कितना होगा 72,000, इन पूरों का टोटल है 7,12,000, ये अमाउंट को बोलते हैं क्रॉस सैलरी। अब इसमें से लेस किया जाता प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16(3), प्रोफेशनल टैक्स जस्ट 2,000 दिया प्रॉब्लम में, तब ये लेस करने पे 7,10,000 आएगा, ये है इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी कैलकुलेट करने के बाद टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम सैलरी का अमाउंट है 7,10,000। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का अमाउंट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का अमाउंट है, देखिए प्रॉब्लम में दिया था 1,70,000, तो ये दोनों मिलकर टोटल हो गया ग्रॉस टोटल इनकम कितना 8,80,000। अब इसमें से लेस होने वाले हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80, और सबसे पहले क्वालिफाइड सेविंग अंडर सेक्शन 80C, इसका वर्किंग नोट मैं बतलाता हूँ अभी आपको। तो सबसे पहले वर्किंग नोट हम करेंगे क्वालिफाइड सेविंग अंडर सेक्शन 80C के लिए। अब ये प्रॉब्लम में देखिए आप, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है जो कि फुल्ली क्वालिफाई रहता, 40,000 दिया वो प्रॉब्लम में, पूरा 40,000 लिख देना। इसके बाद में डिपॉजिट इन पीपीएफ है
PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड है 50,000 रुपीज़, ये भी फुल लिख देना। 1,50,000 वैसे लिमिट है उसकी, तो 50,000 कोई बड़ी बात नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना है 20,000, सुकन्या समृद्धि योजना है 20,000। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम भी लिखना इसमें, कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम। इम्प्लॉई वाला कंट्रीब्यूशन लिखना, जिसको एक्चुअल में अंडर सेक्शन 80 CCD 1 बोलते हैं, इम्प्लॉई वाला, इम्प्लॉई वाला, तो ये है 72,000। हम इससे पहले कैलकुलेट करे थे, 72,000 है, लेकिन इसकी लिमिट रहती 10%, तो सैलरी पे ही रहती लिमिट, मतलब सैलरी का टोटल 6,00,000 था ना, 6,00,000 का 10%, मतलब 60,000, तो ये हम 60,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते, यहाँ पर लिखेंगे 60,000। तो इन सब का टोटल है, देखिए इन सब का टोटल आएगा 170, लेकिन क्वालिफाइड सेविंग करते वक्त एक था अंडर सेक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCE, जो हमें लिमिट बतलाता था, और वो लिमिट है 1,50,000 की, तो हम 1,50,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते, तो 1,50,000 ही हम लेंगे लिमिट में। तो क्वालिफाइड सेविंग अंडर सेक्शन 80C का अमाउंट है 1,50,000। हाँ, अभी इसके बाद और भी कुछ है जो हमें करना है, एक एम्प्लॉय एडिशनल डिडक्शन भी करना है, वो देखिए अभी हम करेंगे अंडर सेक्शन 80 CCD 2, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू न्यू स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए हम करे थे, सेम वैसा ही एम्प्लॉयर के लिए भी करना। एक्चुअल अमाउंट है 72,000, जबकि लिमिट है सैलरी के ऊपर 10%, मतलब 60,000, तो 60,000 ही लेंगे हम। इसके अलावा इस प्रॉब्लम में एडिशनल डिडक्शन या एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी दिया, जो कि एक्चुअल है 55,000, एक्चुअल अमाउंट 55,000 है, इसे अंडर सेक्शन 80 CCD B बोलते हैं, लेकिन इसकी लिमिट है 50,000, तो 50,000 ही लेना पड़ेगा। तो ये पूरे डिडक्शन हो गए, अब इसको हम प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। तो प्रॉब्लम में अप्लाई करने पर देखिए, क्वालिफाइड सेविंग 80C 1,50,000, अंडर सेक्शन 80 CCD 2 यानी कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम 60,000, और एडिशनल कंट्रीब्यूशन 50,000, इन तीनों का टोटल हुआ 2,60,000। 8,80,000 में से लेस करने के बाद आया 6,20,000, ये है टोटल इनकम। अब इसके ऊपर इनकम टैक्स हम कैलकुलेट करना चाहिए, बस इतना ही है ये प्रॉब्लम है।